गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। गाइस आप लोग कैसे आई हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो चलिए गाइस आज का वीडियो स्टार्ट। तो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और यहाँ पे आ गए हम आगे वाले कमरे में। यहाँ पे साफ सफाई हो रही, जैसे कि आपको मालूम है होली भी आने वाली है, तो होली में तो हम लोग गांव चले जाएंगे, तो मगर फिर भी जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं करने की कोशिश कर रही हूँ साफ़ सफाई। और जैसे कि कल के वीडियो में मेरे मालूम होगा, क्योंकि बाकी मैं कुकिंग का कुछ दिखा नहीं सकती, क्योंकि खाना वगैरह जो एकदम सिंपल सा बनता है खाना, तो वो खाना क्या आप लोगों के साथ शेयर करें। जैसे कि आपको बताए हैं कि बिट्टू के माता रानी निकली हैं, तो अभी उसकी पूजा नहीं हुई है। और ये देखो मैंने लिया है काला हिट, तो यहाँ पे कोने में थोड़ा सा मच्छर थे तो मैंने उसको मार दिया। और फिर उसके बाद, क्योंकि ये सब ऊपर ही रखते हैं, क्योंकि नीचे रखेंगे तो बच्चे इसको ले लेते, तो बच्चों के लिए ये हानिकारक भी होता है, मतलब उनको नहीं छूना चाहिए। तो जहाँ तक मुझसे हो सकता वहाँ तक मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, और पूजा तो कल करेंगे गाइस। तो अब मैंने सोचा जब मैं आज किचन का भी नहीं दिखा सकती, कल भी नहीं, और मैंने कंघी आज 3-4 दिन हो गए मैंने कोई कंघी नहीं की, बालों को ऐसे उंगली से सहला के और ऐसे क्लचर लगा लिए, क्योंकि 3-4 दिन हो गए ना तो कोई कंघी और ना ही कोई मेकअप, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ। क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे कि मेकअप करके रखे कुछ किए, तो मैंने कुछ भी नहीं किया है गाइस। और यहाँ पे ये डिब्बे हैं, डिब्बों में भी कपड़े हैं न्यू, जैसे बेटू के और बिट्टू के बर्थडे में मिले थे वही कपड़े हैं गाइस, तो वो मैं सब रख रही थी। और ये जितने टेडी बियर हैं ये सब, तो ये सारे टेडी बियर रख रहे हैं बिट्टू और बेटू के लिए है। और यहाँ पे आवश्यकता भर के लिए ही सामान, मतलब जो हमें ज़रूरत रहती वही सामान रखी हूँ, क्योंकि क्या फालतू आज यहाँ कल कहीं और। तो ये सारे टेडी बियर रख रही हूँ गाइस, और प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार विजिट करें। और ये जो कैप रखे हैं बिट्टू के बर्थडे का है और एक बेटू के बर्थडे का, और यहाँ पे मैं फ़ैन भी साफ कर रही हूँ ये देखिए, क्योंकि अब वैसे भी गर्मी आ गई और गर्मी में अगर फ़ैन को अच्छे से साफ़ करके रखो तो उसमें हवा बहुत अच्छी आती है। तो रात में अभी मैं नहीं चलाती हूँ, मगर अब चलाऊँगी, 15 दिन बाद तो चलाने की आवश्यकता हो ही जाएगी, फ़िलहाल अभी तो मैं नहीं चलाती हूँ। तो फ़ैन वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर लूँ जहाँ तक मैं पहुँच पा रही थी, क्योंकि तख्त बीचों बीच में था नहीं। और इस साइड में अलमीरा रखी हुई, अगर इसको मैं तख्त को थोड़ा सा इधर खिसकाती हूँ तो अलमीरा से नहीं, और वो उससे उठ भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा सीजरिंग हुआ है जैसे कि आपको मालूम है, तो इसके लिए मैं जहाँ तक हो पाया वहीं तक कर पाई हूँ, और बाकी फिर मैं हस्बैंड से बोलूँगी साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं काफ़ी दिनों से, जैसे मैंने ये शीशा नहीं साफ किए थे, तो ये कांच साफ़ करने वाला है, और इसको मार के थोड़ा सा ऐसे फुहारे टाइप का मार दो और कांच अच्छे से साफ़ हो जाता गाइस, तो वही मैं साफ़ करने लगी हूँ। और सच में जैसे मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ तो जैसे लग रहा कि मैंने कंघी की हुई है, कोई मेकअप कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि मैंने कोई फेस वाश ना साबुन कुछ भी नहीं, आज 4-5 दिन हो गया मैंने कुछ भी नहीं किया गाइस। और फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पर ये जितने बेडशीट वगैरह थे सब हटा के और अच्छे से साफ़ करें, क्योंकि वैसे भी इसमें साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। बिट्टू को जिस कमरे में लेटा के रखे हैं वहाँ मुझे कम से कम 4 से 5 बार पोछा और दोनों टाइम बेडशीट वगैरह मैं सब चेंज करती हूँ और रोज़ धुलती हूँ, और मुझे भी 2-3 बार नहाना हो जाता, सुबह जल्दी उठ के पूजा करती हूँ और फिर उसके बाद फिर खाना वाना बना के फिर नहाना होता, फिर शाम को पूजा करना होता, तो इतनी बार मुझे 3-4 बार नहाना ही हो जाता। आजकल सारा दिन व्यस्त रहती हूँ गाइस। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका लिंक आप तक ज़रूर पहुँचे। और गाइस प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट
दे मुझे, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे तो मैं किसी की वीडियो में नहीं जा पा रही थी, मगर कल मैंने कोशिश की कि सबकी वीडियो में जाने के लिए। और ये सारे देखो, ये जो कम्बल है पतला वाला है, इसको बिट्टू को ओढ़ाती हूँ तो इसको रोज़ धुलती हूँ। अब ये सब मैंने धुल दिए थे सुबह 5 ही बजे ये सारा काम, क्योंकि आज मैं 4 बजे की जगी हूँ और बच्चे का आज पेपर भी था और उसको जाना भी था। और आज क्या हुआ कि बच्चे ने सुबह सुबह अपना ज्योमेट्री बॉक्स यहीं भूल गया, मगर 2 मिनट बाद क्या हुआ कि फिर वापस आ गए उनके डैडी लेके, डैडी ही गए थे, बल्कि ऐसा उसे याद नहीं था। जैसे वो जाने लगा मैंने उसको याद दिलाया, तब उसको याद आया, नहीं तो वो कितना रोता। और आज उसका पेपर लास्ट था, आज से उसके एग्ज़ाम हो गए, अब बहुत खुश है। और मैं भी थोड़ा सा अपने आप को फ्री पाऊंगी, क्योंकि उसको भी टाइम देना रहता है और बच्ची बहुत रात भर वो सोती नहीं है, परेशान रहती। तो गाइस ये छोटा सीसा था जब हम लोग न्यू यहाँ आए थे, तो उस टाइम पे मैं घर से कुछ भी नहीं लेके आई थी, तो ये छोटा सीसा मैं लेके आई थी ऐसे डेली बेसिस के लिए। और ये क्योंकि कमरे का स्पेस कम था तो टीवी स्टार्टिंग में यही लेके आए थे, वही लगी हुई, क्या करना क्योंकि घर पे तो बड़ी सी है और यहाँ छोटी सी, ऐसे काम चलता है, काम चलाओ, जितना सामान है यहाँ पे सब काम चलाओ ही रखे हुए हैं। जब अपना खुद का घर हो तो उसको अच्छे से सजाते हैं। अब यहाँ पे आज हैं कल नहीं गाइस, तो यहाँ पे देखो मैंने बिस्तर भीड़ लगा ली है, अब नीचे ऐसे झाड़ रहे हैं और नीचे झाड़ के फिर उसके बाद गाइस चलिए कुछ देर बाद फिर मिलते हैं गाइस, यानी कि फिर मिलते हैं क्या, सॉरी, आप लोग म्यूजिक सुनिएगा। Thank you.
तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक, और कल मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। तो गाइस अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस मिलती हूँ कल एक नेक्स्ट वीडियो।